गुड मॉर्निंग क्लास फोर के बच्चों, आज मैं आप लोगों को आपके समक्ष एक्सरसाइज हिंदी पाठ्यपुस्तक से एक्सरसाइज 11 जिसके अभ्यास कार्य को बता रहा हूँ। ध्यान से इसको देखेंगे। मैडम क्यूरी के अभ्यास कार्य को बता रहा हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले आप अभ्यास कार्य को जानने के लिए इससे पहले इसके शब्द और उसके अर्थ को जान लीजिए कि इसमें क्या है। अब जैसे देखिए, इसमें बहुत सारे शब्द हैं। रेड कलर में लाल अक्षर में जो लिखे हुए हैं वह शब्द हैं, और नीले अक्षर में जो लिखे हुए हैं वे उसके अर्थ हैं। तो आपके पास शब्द और अर्थ दोनों ही होने चाहिए ताकि आपकी भाषा में समृद्धि हो और आपके पास भाषा का भंडार बढ़े। आप अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग करके अपने भाव को अच्छे से कहीं व्यक्त कर सकें। आपकी भाषा सुदृढ़ हो, सबल हो, इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास शब्दों का ज्ञान, शब्दों का अथाह भंडार होना चाहिए, जिसके लिए अब जरूरी है। अब देखिए, यहाँ जैसे क्षय रोग क्या है, तो इसको तपेदिक की बीमारी है। टीबी, रुचि मतलब पसंद, जिज्ञासा जानने की इच्छा, परिश्रमी मेहनती, स्वावलंबी अपने बल पर कार्य करने वाला, प्रबंध का इंतजाम व्यवस्था, अनुसंधान का मतलब खोज, अद्भुत का मतलब अनोखा, दंपत्ति का मतलब पति और पत्नी, स्तब्ध का मतलब हैरान, महत्वपूर्ण, जरूरी, आवश्यक, अध्ययनशील, बहुत पढ़ने वाले, आर्थिक धन से संबंधी, स्थिति, दशा, भार, वजन, इस तरह से आपके पास बहुत सारे शब्द हैं। अब यहाँ देखिए तो इसके कुछ विलोम शब्दों के बारे में भी यहाँ बताया गया है। रुचि, आपकी रुचि किस चीज़ में है, खेलने में है या पढ़ने में है, आपका ध्यान, आपकी इच्छा, आपकी चाहत, आपकी लगन, इसका विलोम है और रुचि। दुर्लभ, सुलभ, उदासी, खुशी, साध्य, असाध्य, उपयोगी, अनुपयोगी, इस तरह से आपके विलोम शब्द हैं। उसके बाद यहाँ आइए तो देखते हैं पर्यायवाची शब्द में। देखिए तो पुत्री का पर्यायवाची देखिए, धन का पर्यायवाची देखिए, अद्भुत, उसके बाद विश्व का पर्यायवाची देखिए, ये सारे आपके किताब में हैं, इसको याद कीजिए। अब आपको बताने की बात है तो बताने के लिए मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि उपसर्ग और प्रत्यय के द्वारा शब्दों की रचना करते हैं। व्याकरण में मैंने पढ़ाया था कि उपसर्ग और प्रत्यय, तो उपसर्ग है वह जो शब्द के पहले लगकर शब्द नए शब्द बनाता है और अर्थ बदल देता है उस शब्द का। संधान एक शब्द है जिसके पहले हम अनु लगा देते हैं तो अनुसंधान हो जाता है। उसी तरह से रोध, जिसमें हम अनु लगा देते हैं तो अनुरोध हो जाता है। उसी तरह से फिर देखिए, अब जैसे योग, अगर योग शब्द में हम प्र लगा देते हैं पहले तो प्रयोग हो जाता है, तो यह नया शब्द बन जाता है। तो शब्द के पहले जुड़कर तो इस तरह से आप इसको बनाएंगे। अब उसके बाद आइए तो इसके पर्यायवाची जो समानार्थी शब्द होते हैं, अब जैसे विवाह का पर्यायवाची क्या होगा, तो शादी होगा, निकाह होगा। उसके बाद पुत्री का पर्यायवाची क्या होगा, तो बेटी होगा, तनया होगा, सुता होगा। उसके बाद अद्भुत का पर्यायवाची, तो आश्चर्यजनक, अनोखा। अब उसके बाद है बाधा, तो बाधा का रोक, रुकावट। उसके बाद प्रबंध, तो इंतजाम, व्यवस्था, अनुसंधान, तो खोज। अब उसके बाद आते हैं इक प्रत्यय जोड़कर। इससे पहले हमने अनु उपसर्ग जोड़कर बनाया था, प्र उपसर्ग जोड़कर बनाया था, अब देखते हैं तो हम इक प्रत्यय जोड़कर बनाते हैं। तो इक प्रत्यय जोड़कर बनाते हैं, एक प्रत्यय, तो प्रत्यय क्या है, तो यह शब्द के बाद जुड़ता है। उपसर्ग क्या है, तो शब्द के पहले जुड़ता है। यहाँ देखिए उपसर्ग है तो शब्द के पहले जुड़ रहा है, और यहाँ है प्रत्यय तो शब्द के बाद जुड़ता है। तो जैसे विज्ञान है, तो विज्ञान में एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो वैज्ञानिक नहीं होगा, वैज्ञानिक हो जाएगा। विज्ञान में एक जोड़ेंगे तो वैज्ञानिक हो जाएगा। उसी तरह से धर्म में एक जोड़ेंगे तो धार्मिक हो जाएगा। नाव में एक जोड़ेंगे तो नाविक हो जाएगा। मांस में एक जोड़ेंगे तो मासिक हो जाएगा। इस तरह से आप इसको बनाएंगे, और फिर दिक्कत होगी तो फिर आप पूछिएगा, फिर मैं बताऊंगा।